बच्चों, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको कल इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की थी कि जो हमारे इतिहास के टॉपिक है, इतिहास विषय है, उस पर हम आपको कैसे कैसे कक्षाओं प्रतिदिन के हिसाब से कक्षाएं प्रदान करेंगे। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के जो प्राचीन, हमने इतिहास को तीन भागों में डिवाइड किया है, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो हमने जो इतिहास के यूनिट स्टार्ट की है वो प्राचीन भारतीय इतिहास से स्टार्ट की है। तो आइए जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, जो हमारे इतिहास के स्रोत है जानकारी के, वो क्या क्या है। तो आइए हम धार्मिक ग्रंथ देखते हैं, जो धार्मिक ग्रंथों से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो कौन कौन से ग्रंथ हैं और क्या क्या है और किससे क्या जानकारी मिलती है। आज का टॉपिक हमारा पूरी जो क्लास है इसी उस पर रहेगी। तो चलिए देखते हैं, हम अपने टाइम वेस्ट किए बिना ही अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं, आज जो तारीख है वो 8 फरवरी है, याद रखना। क्लास जो आपकी होती है वो प्रतिदिन डेट वाइज क्लास कराई जा रही है, ताकि आप अपने हैंड नोट्स भी बना सके, अपनी बुक में नोट कर सके आप इस चीज को, आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और पूरी जानकारी टॉपिक बाय टॉपिक और विषय बाय विषय आपकी प्लेलिस्ट में जाके आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट में भी आपको पूरी, हमने टॉपिक बाय टॉपिक और विषय बाय विषय जानकारी अलग अलग वीडियो अलग अलग टॉपिक पे डाल के दी है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये ना दिक्कत हो कि कौन से विषय की कौन सी क्लास है। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए, कल का जो हमारा इतिहास पे डेमो था, आज क्लास है। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत है वो क्या है। आइए, भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में, उत्तर में तो हिमालय ही पड़ता है आपका और दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है आपका, हिंद महासागर समुद्र तक फैला ये महाद्वीप अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि भारत के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम की जानकारी दी है। कुछ इतिहासवेत्ताओं ने भी, कुछ आपके जो देशी विदेशी लोग भारत के थे, उन्होंने अलग अलग कहा है भारत को। किसी ने भारत को भारतवर्ष कहा है, किसी ने हिंद कहा है, किसी ने हिंदुस्तान कहा है, किसी ने इंडिया कहा है। तो देखते हैं क्या है। महाकाव्य और पुराणों में, महाकाव्य और पुराणों में जो भारत को कहा गया है वो कहा गया है भारतवर्ष या भरतों का देश या भरत का देश। क्लियर है पॉइंट? दूसरा, जो ईरानी लोग थे, ईरानी लोगों ने इसे हिंदू कहा है, हिंदू, हिंदू का मतलब सिंधु जो नदी थी, उन्होंने सिंधु नदी के नाम पे भारत को हिंदू नाम दिया है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट आपका? इसी तरीके से मध्यकाल में, जो मध्यकालीन हमारे इतिहासकार हुए हैं या मध्यकालीन जो समय रहा है हमारा, उसमें भारत को हिंदुस्तान कहा है, हिंदुस्तान। क्लियर? और अंग्रेजों ने आधुनिक भारत में, जो अंग्रेज आए थे भारत में, तो उन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आपके हर बार एग्जाम में बनता है, इंडिया नाम किसने दिया? अंग्रेजों ने। मध्यकालीन व्यक्तियों ने, इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। ईरानी लोगों ने भारत को हिंदू नाम दिया, क्यों दिया? क्योंकि यहां से जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी के नाम पे उन्होंने भारत को हिंदू नाम दिया था। महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष या भरतों का देश या भरत का देश कहा गया है। क्लियर यहां तक के पॉइंट? अब जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो आपको मैंने कल भी बताया था, उनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। तो हमारा जो इनमें सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है वो है आपका ऋग्वेद। क्लियर है पॉइंट? एक एक करके आज की क्लास में मैं आपसे पूरी चर्चा करूंगा किस वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए नोट में, भारत का सबसे प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है वो है वेद। तो आप याद रखना, जो वेद है हमारे वो भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कहे जाता है। और वेदों के जो संकलन करता है, संकलन करता मतलब रचनाकार या रचयिता, तो दोनों पॉइंट एक ही है, उसे जो कहा जाता है वेद व्यास, उनका नाम था वेद व्यास, जिन्होंने वेदों की रचना की।
क्लियर याद रखे पॉइंट। और वे वसुदेव कुटुंबकम, वेदों से हमें वसुदेव कुटुंबकम की जानकारी मिलती है। तो याद रखना है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वसुदेव कुटुंबकम की जानकारी कहां से मिलती है? वेदों से, जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे वेद। नेक्स्ट है, चारों वेदों को जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद है, इन्हें चारों वेदों को मिलाकर ही संहिता नाम दिया गया है, तो इन्हें संहिता भी कहा गया है। क्लियर है? और मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं, चारों वेदों की जो भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत, संस्कृत में ही इनकी रचना की गई। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? लो मैं लिख देता हूं, आपको नोट में डलवा देता हूं। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। याद रखना, वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। क्लियर है याद रखे? इसके बाद हम एक एक करके वेद उठाते हैं, चारों वेदों के बारे में आज की क्लास में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा किस वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो हमारा सबसे प्राचीन जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें मिलने वाली जानकारी देखिए, एक तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, जो इनकी रचना हुई और उसका जो सिक्वेंस है ऑर्डर है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। और दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आप याद रखना 10 मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है इसमें। और एक क्वेश्चन आता है कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, आप याद रखना इस चीज को, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। और दूसरा पॉइंट आता है एग्जाम में कि ऋचाएं कितनी है? 10462 ऋचाएं है इसमें, 10462 ऋचा है। और दूसरा, इस वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि थे, इस वेद को ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि थे उसे होत्र कहते हैं, उन्हें या उसे होत्र कहा गया है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि का जो नाम था वो था होत्र। दूसरा है, इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की भी हमें जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के बाद जो हमारे देश में आर्य सभ्यता आई थी उसकी राजनीतिक प्रणाली की भी हमें इसमें जानकारी मिलती है, किस वेद में? ऋग्वेद में। आर्य की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमें किस वेद से प्राप्त होती है? वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? देखिए इसमें एक पॉइंट और है, इतिहास और ईश्वर की महिमा की जो जानकारी मिलती है, ईश्वर का महिमा मंडन किया गया है इस वेद में, तो उस वेद की जो जानकारी मिलती है हमें वो भी आपकी ऋग्वेद में ही मिलती है। तो आप ये चीज पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा सा, बाकी इसे क्लास को और आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में एक तीसरा मंडल है ऋग्वेद में, तो उसमें क्या है, उसकी रचना क्वेश्चन आता है किसने की थी? तो ऋग्वेद की जो तीसरा मंडल है उसकी जो रचना की थी वो आपके एक ऋषि थे विश्वामित्र, तो उसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना। तीन मंडल, तीसरा जो मंडल है वो आपका उसमें जो हमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, वो तीसरा जो मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तीसरा जो मंडल है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। क्लियर पॉइंट? आज की क्लास के बाद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आईएएस से लेके ग्रुप सी तक, एसएससी, बैंक, रेलवे, आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको अपनी क्लास के दावा कर रहा हूं। आप इस चीज को चाहे 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिएगा, अगर हमारी क्लास से कोई भी बाहर क्वेश्चन चला जाए तो हम क्लास पढ़ानी छोड़ देंगे उसी दिन। आप इस चीज को देख लीजिएगा और हमारी क्लास से जुड़ने के बाद आप ऑटोमेटिकली 10 से 15 दिन में अपने आप इंप्रूवमेंट पाएंगे कि हाँ, जो बाकी जो पढ़ाया गया वो बेहतर पढ़ाया गया और वो एक हर एग्जाम के लिए बेस्ट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जुड़िए आप उन टीचरों से जो आपको सफल बनाए, तो आप अपनी मेहनत और हमारी मेहनत पर विश्वास रखिएगा।
मेहनत इतनी करो कि जो देखने वाला एक है कि हाँ किसी ने कोई मेहनत की और किसी ने कुछ अचीवमेंट पाया है। तो चलिए देखते हैं आगे। ऋग्वेद में एक नौवां मंडल है, नौवां मंडल, उसमें जो है सोम देवता का उल्लेख किया गया है। सोम देवता, ऋग्वेद का जो नौवां मंडल है, सोम देवता का उल्लेख किया गया है उस मंडल में, नौवे मंडल। क्लियर। इसके बाद आठवां मंडल है ऋग्वेद का, हस्तलिखित, मतलब जो हाथों के द्वारा, जैसे हम लिखते हैं किसी चीज को, हाथों के द्वारा लिखित रचनाओं को या ऋचाओं को खिल कहा गया है। तो आप याद रखना, हस्तलिखित ऋग्वेद का जो आठवां मंडल है उसमें हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उन्हें क्या कहा गया है, खिल। तो याद रखना, खिल कहा गया है उन्हें। इसके बाद दसवां मंडल आता है ऋग्वेद में, दसवां मंडल, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि ऋग्वेद में कुल दस मंडल है, तो दसवां जो मंडल है, हमें दस की दस इंपोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, कुछ ही जानकारी, तीसरा मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल, दसवां मंडल, इनकी जानकारी हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। देखिए दसवें मंडल में क्या है, चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन बार बार आता है आईएएस में, पीसीएस में, हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि चतुर्वर्ण जो समाज है या चतुर्वर्ण जो व्यवस्था है उसकी जानकारी हमें किस मंडल से मिलती है, तो वो ऋग्वेद के दसवें मंडल से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और चतुर्वर्ण में शामिल थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन्हें मिला के चतुर्वर्ण कहा गया है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो ये आपको पहले भी मैं बता चुका कई बार, सबसे प्राचीन वेद है, और जो वेदों की रचना की गई है वो पूरी संस्कृत भाषा में की गई है, आप इस चीज को कभी मत भूलना। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र देवता का उल्लेख, क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो सबसे अधिक जो उल्लेख हुआ ऋग्वेद में वो इंद्र देवता का हुआ है, 250 बार इंद्र देवता का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है, 250 बार, क्योंकि उस समय यही देवता प्रमुख माने जाते होंगे, इन्हीं की पूजा होती होगी, इन्हीं लोग मानते होंगे, तो इसलिए इनका सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। दूसरे स्थान पे जो आता है वो अग्नि देवता आता है, अग्नि देवता का जो उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में 200 बार किया गया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, प्रथम स्थान ऋग्वेद में इंद्र देवता का है और दूसरा अग्नि देवता का है। अग्नि देवता के लिए 200 बार शब्दों का प्रयोग हुआ है, 200 बार उल्लेख हुआ है, और इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख हुआ है। क्लियर। इसके बाद प्राचीन वैदिक साहित्य में प्रथम स्थान, जो प्राचीन जो वैदिक साहित्य है हमारा, उसमें प्रथम स्थान ऋग्वेद का है, और ऋग्वेद के बाद दूसरा जो स्थान है वो आप ध्यान रखना, वो शतपथ ब्राह्मण का है। ऋग्वेद के बाद जो दूसरा स्थान आता है वैदिक साहित्य में, प्रथम ऋग्वेद का है और दूसरा आपका शतपथ ब्राह्मण का है। नेक्स्ट, एक शब्द का प्रयोग हुआ ऋग्वेद में, अधन्या। तो अधन्य जो शब्द का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन आता है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, तो अधन्य जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो आपका गाय के लिए प्रयोग हुआ है। अधन्य जो शब्द है वो गाय के लिए प्रयोग किया गया, इसे बताया गया है न मारने योग्य पशु। तो ये हमारी जो ऋग्वेद की संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी वो थी। बाकी इसके बाद हम जो देखते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, देखिए ऋग्वेद से संबंधित जो भी आपके जानकारी दी गई है वो अपने आप में एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल संपूर्ण सामग्री है। इसके अलावा अभी तक कोई इस तरह कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, और इसी पे बेस पूरे का पूरा हमारा क्वेश्चन रहता है। तो आप इस चीज को ईमानदारी पूर्वक पढ़े, बार बार वीडियो देखें, और बार बार आप इस चीज को लिखें और बार बार पढ़ें, तो ईमानदारी पूर्वक आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपका एग्जाम में कोई भी ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट जो क्लास का टॉपिक होगा वो इन तीनों टॉपिक पे, क्लास नंबर 2 आपको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रतिदिन की क्लास उपलब्ध कराएंगे।
ताकि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई समस्या ना आए और किसी भी टॉपिक का हमारा कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। पता लगता है क्या है कि पढ़ तो हमने सारा लिया लेकिन पढ़ा लिया हमने कुछ नहीं, तो वो समस्या ये है कि जब घोच पोच करके पढ़ा जाता है, किसी टॉपिक को क्लियर करके नहीं पढ़ा जाता और कोई टॉपिक पे फुली क्लास नहीं दी जाती, तो वो इसलिए कारण रहता है कि पढ़ भी लिया और पढ़ा भी कुछ नहीं। तो उस चीज से हम दूर रहे हैं, उस चीज के पास हमें नहीं जाना है, हमें अपना टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है और हमें अपने एग्जाम क्वालिफाई करना है और हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो देखिए एक कहावत होती है और ये आपके हमारे जो एग्जाम होते हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं उनके लिए बेस्ट है कि कोई भी रास्ता बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। और एक वो है आपका थॉट, हौसला है जुनून है, जुनून है रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मंजिल है, और मंजिल है तो सफर है। तो आप एक बार हौसला करिएगा पढ़ने का, जुनून रखिएगा पढ़ने का, रास्ता ऑटोमेटिक आपको मिलता चला जाएगा, और जब रास्ता मिल जाएगा तो सफर भी धीरे धीरे कटता चला जाएगा, और जब सफर कटने लगेगा तो एक दिन हमें मंजिल भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसी चीज को लक्ष्य और टारगेट बनाते हुए हम अपनी पढ़ाई करें, और आपके लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हमारा संस्थान विनायक कैंपस रुड़की आपके सेवा में हमेशा और सदैव तत्पर रहेगा, और आपको जो भी चाहिए मैटर, जिस भी टॉपिक पे चाहिए मैटर, आप वो हमें बताएं कमेंट करके कि सर आप इस पे वीडियो डाल दीजिएगा, हम स्पेशल आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। तो चलिए देखिए, हम एक हाथ से थाली पीटने से कुछ नहीं होता, दोनों हाथों से ही थाली पीटेगी तभी मजा आएगा एग्जाम में। तो आप भी अगर हम आपके लिए 100% मेहनत करें तो उसका 50% आप करिए, तब जाके वो आपकी टोटल 100% बनेगी 150 का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिएगा, आप फुल एनर्जी के साथ और फुल मेहनत के साथ और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिएगा, तब तक के आप हमें इजाजत दीजिएगा। थैंक यू।